हाय वेलकम बैक टू माय चैनल आज एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये अल्ट्रा फ़ोन सैमसंग अल्ट्रा जैसे कि एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा एस ट्वेंटी फोर अल्ट्रा या फिर फोर 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 फाइव सिक्स जो भी हो किसमें इमेज ज़्यादा बड़ा दिखता है अगर आप लेना चाह रहे हैं ये फ़ोनस मीडिया कंजम्पशन के लिए लाइक नेटफ्लिक्स यूट्यूब ऐसे देखने के लिए तो ये जो दो वीडियोस है मेरे बनाए वीडियोस है सिक्सटीन बाई नाइन एस्पेक्ट रेशियो में है जो मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट रेशियो है रेशियो है जो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स की मूवीज़ का होता है तो किस में ज़्यादा बड़ा इमेज दिखता है और कौन सा लेना चाहिए ये डिस्कस करते ना फोन जो है अल्ट्रा सीरीज ज़्यादा लंबा रहता है और ये थोड़ा शॉर्ट रहता है लेंथ वाइज या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो ये ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैंने ऐसे रख दिया है तो ये थोड़ा शॉर्ट है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा दिखेगा मगर इसमें मैंने ज़ूम इन किया हुआ है और फुल हाइट नहीं दिख रहे हैं अगर मैं वीडियो का फुल लेंथ देखना चाहता हूँ मुझे और फुल हाइट देखना चाहता हूँ तो मुझे ज़ूम आउट करना पड़ेगा इसकी वजह से क्या होता है लेंथ थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि वीडियो का लेंथ फ़ोन के लेंथ से कम है सेम हाइट पे तो फिर जी फोल्ड में क्या होता है स्पाइट ऑफ इसका लेंथ थोड़ा सा बाई अ फ्यू मिलीमीटर्स कम होने के बावजूद हाइट एडजस्ट करने का जगह मिलता है ऊपर ब्लैक बार्स आते हैं कोई बात नहीं मगर हाइट के लिए स्पेस मिलता है इसलिए जब हम इसमें क्या हो रहा है कि लेंथ एडजस्ट करके हम इसमें फिट कर रहे हैं इसमें हाइट एडजस्ट करके फिट कर रहे हैं तो हम फुल इमेज को देख रहे हैं ऐसे देखते टाइम फोल्ड में ज़्यादा कंसिडरेबली ज़्यादा काफ़ी नोटिसबली ज़्यादा वीडियो का साइज़ दिखता है अगर हम सेपरेटली ऐसे देखते हैं तो ये फ़ोन भी अच्छा है मीडिया कंजम्शन के लिए वीडियोस देखने के लिए और ये भी बहुत अच्छा है बट जब साइड बाय साइड रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस चीज़ का मुझे हमेशा डाउट था तो कि मैं अलग अलग सेपरेटली यूज़ करता था इसमें भी मूवीज़ देखता था उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं लगता था इसमें देखता था तो लगता था कि बड़ा दिख रहा है बट मेरे दिमाग में रहता था कि ये फ़ोन ज़्यादा लंबा है तो आई थिंक इसमें ज़्यादा बड़ा इमेज दिख रहा होगा बट आज मैंने ये ध्यान से देख के नोटिस किया कि बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो सिक्सटीन बाई नाइन ये वीडियो फिट होने के कारण इसमें वीडियो छोटा हो जाता है अगर हम ऐसे करते हैं तो इसमें वीडियो बड़ा हो गया लेंथ वाइज मगर ऊपर का इमेज थोड़ा क्रॉप हो गया है ना थोड़ा इमेज लूज़ हो रहा है ऊपर और नीचे का नहीं दिख रहा है तो अगर हम फुल इमेज देखना चाहते हैं तो इसको छोटा करना पड़ेगा और अब इसमें छोटा हो गया और इसमें बड़ा रह गया तो ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया आप लोगों को क्या लगता है आप कौन सा प्रेफर करोगे ये या ये, ये इमेज बड़ा करने के लिए क्या आप ऐसे जूम इन करके देखोगे थोड़ा सा ऊपर और नीचे थोड़ा इमेज लॉस करके या फिर ऐसा देखना चाहते हो छोटा या फिर फुल इमेज देखना चाहते हो इसलिए आप क्या आप फोल्ड खरीदना पसंद करोगे कि नहीं ये सब कॉमेंट्स में बताइए डिस्कशन करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय